बीच में जगह चाहिए? नहीं नहीं पोस्टर छोड़ो, बाद में चाहिए, लेकिन पहले ये स्टिल में चाहिए। तुम दोनों को तो पोस्टर छुपा देना चाहिए, हीरोइन है पोस्टर में नहीं है। तेरे हीरोइन के आगे बड़ी प्यारी। क्यों हीरोइन प्यारी नहीं है? ना नहीं मेरी बेटी जैसी नहीं, मतलब प्यारी दिखने में तो प्यारी है। अभी तो हीरोइन है यार। हाँ हो गया चालू का? हाँ हो गया बस। ये दोनों हीरोइन का मुन्ना भाई हो गया बेटे, दोनों मेरे हीरोइन का। अरे बेटा क्या नाम इसका? आप उनको नो करती हो, आप उनसे प्यार करती हो, मुझे वो वाला एंगल चाहिए। अच्छा भाई शर्मिले से मतलब। हाँ ले लो बेटा ये सीन, समझा सीन जी। तो आपको मतलब उस टाइप का पोज देना है, आप बहुत बेहद लव करती हो उनसे, लेकिन ये जो है ना मतलब बस वो अपने एक मिजाज में ही है भाई, अंदर अंदर से कुछ है, लेकिन वो फिर ले लिया बेटा, ऐसा लगता है कि नहीं बोले आप। थैंक यू सर, आज के लिए आज शॉट हो गया। अब दोनों हीरो ने जानते कौन है? हां इंट्रो करवाया आज ही, थोड़ा सा है। गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम है। स्टिल ले लो बेटा सब। हां सलमान खान और रियाज खान को दो ही लोग बोल सकते हैं, साइड में हो जा ये आदमी और किसी को नहीं बोलता। हो गया सबका, दोनों हीरोइन दोनों हीरो एक साथ में। माने यार तुम्हारे गुजरात के हो गया दोनों का। हाँ दोनों हीरोइन आ जाओ भाई, आम जाओ। बेटा तेरा नाम क्या है? ममता। ममता हाँ थोड़ा इधर लुक दो। हाँ मिल रहे ना भाई? अच्छा फाइट मास्टर, फाइट मास्टर मुन्ना भाई, मुन्ना भाई फाइट मास्टर मुन्ना भाई दोनों। इकबाल ये राशिद लंबा हो। आई लव यू राजू कारिया, आई लव यू। सलमान भाई दो पिक्चर के बाद तीसरी पिक्चर बोलते हैं राजू भी आ रहा है, मैं ना आ रहा हूँ, मैं ना आ रहा हूँ। ले लो बेटा स्टिल ले लो। और कोई है जिसके साथ फोटो खिंचवाना है? सेंड मी सम लिंक्स। राजू भाई के साथ, राजू भाई के साथ, राजू भाई के साथ, राजू भाई के साथ में भाई। अच्छा छपेगी नहीं यार, फोटो कटेगी नहीं यार। अच्छा राजू भाई बीमार थे एक साल पहले, तीन साल हो गए और मैंने ऐसे फोन किया तो इनकी बेटी ने उठाया और कट गया फोन। तो रोने लगी थी, बीमार थी, ऐसा कुछ बोल रही थी मुझे, हो गया बेटा गुजर गए। तो मैंने साला श्याम शर्मा, मैंने संजय फोटो निकालने तक को फोन किया, मतलब बाबा ऐसा हो गया। बोले नहीं नहीं क्या बात कर रहा है, नहीं। और संजय गुप्ता भी बाजू में बैठा था तो फोन लेके बोले क्या बाबा? हमने कहा भाई राजू जी मर गए। तो संजय गुप्ता ने ट्वीट कर दिया, ही वॉज अ नाइस गाय, ये वो। तो ब्रेकिंग न्यूज में न्यूज चालू हो गए पूरी इंडस्ट्री। मैं पूछूंगा एक्शन, आप माय नेम सो एंड सो, सो एंड सो, सो एंड सो, सो एंड सो, ये मेरी पहली फिल्म है। इजाज़ खान मेरे अपोजिट है, इजाज़ खान के अलावा इसमें साजिद साहब है, फिर अनिल धवन है, जो जो स्टार कास्ट तुम्हें पता है। हेलो फ्रेंड्स, इट्स मी ममता सोनी एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग दिस हिंदी फिल्म भाई जान, साहिल एस फिल्म्स एंड एक नंबर प्रोडक्शन। सो आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दे आर प्रेजेंटिंग इन गुजराती एंड हिंदी दिस मूवी, एंड वी आर सो मैनी स्टार्स इन दिस फिल्म। माई सेल्फ ममता सोनी, एजाज खान, आई थिंक यू ऑल नो हिम, एंड साहिल, झील जोशी जो मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, राजू कारैया। आपका कैरेक्टर क्या है? एक्चुअली अभी तक हिंदू मुस्लिम के नाम पे बहुत ही झगड़े होते हैं धर्म को लेकर, बट वो एक धर्म की लड़ाई नहीं है, वो एक बहकाई हुई भीड़ है जो एक दूसरे को मारने पीटने लग जाती है। तो उसी भीड़ का, उसी दंगे का मैं शिकार बन जाती हूँ और कहीं ना कहीं मैं उसमें एक्सपायर हो जाती हूँ, मेरी मौत हो जाती है।
तो उसका एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है मेरे जो पैर में है एजाज खान के, वो दुनिया के खिलाफ हो जाते हैं, एक हिंदू के खिलाफ हो जाते हैं। बट इस फिल्म के थ्रू हम एक बहुत ही अच्छा मैसेज दे रहे हैं कि यहाँ पर कोई धर्म की लड़ाई नहीं थी, ये एक इंडिविजुअल लोगों की सोच थी, जो गलत सोच थी उसकी वजह से मैं एक्सपायर हो जाती हूँ। तो वो एंड में आते आते यही मैसेज हमारी ऑडियंस को हम देना चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम के बीच का कोई भेदभाव नहीं है, हम सब लोग साथ ही साथ हैं। हाँ, एक्चुअली आई हैव डन वन हिंदी मूवी, ओके, रियली आई एम सो मच एक्साइटेड अबाउट दिस फिल्म। या और इजाज़ खान जैसा बड़बोला हीरो है, हाँ, तो आप उसको उसका मुंह कैसे बंद करेंगे? नहीं, मुंह बंद कर दिया तो फिर एजाज खान की पहचान ही खत्म हो जाएगी। तो एजाज खान को सब उसी तरीके से पसंद करते हैं, तो ऑब्वियसली आप लोग उन्हें बोलते हुए ही देखना चाहेंगे। मैं अपने अंदाज में ही कहना चाहती हूँ कि हमने सोचा हम ही चाहते हैं आपको, मगर आपको चाहने वालों का तो काफिला निकला। सोचा कि शिकायत करें उस खुदा से, मगर वो खुदा भी आपका चाहने वाला निकला। लेकिन इजाज़ के बारे में कहा जाता है कि वो एक नंबर का फ्लटर है, उसने कई लड़के को पटा है और छोड़ा है, कि आपका सारे सुपरस्टार फ्लटी है। आप वो उनकी पर्सनल लाइफ है, उस पर मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहती हूँ। इंटरेस्टिंग की बात तो है नहीं इसमें, वो अभी मेरे पैर में है, तो हाँ, आई लव टू बी वर्क विद हिम। यस, कुछ ऐसी बात है ममता जो आपने लोगों से शेयर करनी है? नहीं, बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि एक बहुत ही अच्छी फिल्म बनने जा रही है, तो आप प्लीज़ अपना साथ सहकार सपोर्ट हमें दीजिएगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट, या एक्शन कैमरा। यस, बोलिए, प्रश्न पूछिए। हाय फ्रेंड, मेरा नाम नीज है। ओके ओके, ये मेरी पहली फिल्म है। एक्शन। नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूँ जील जोशी और ये फिल्म भाईजान मेरी फर्स्ट फिल्म है और बहुत अच्छी फिल्म बनने जा रही है, और जैसे कि हम बॉलीवुड में देखते हैं उसी टाइप बहुत अच्छी मूवी बनने जा रही है, और डबल गुजराती और हिंदी दोनों लैंग्वेज में बनेगी, और स्टोरी बहुत अच्छी है। जैसे कि हमारे सारे स्टारकास्ट हैं, उन लोगों ने आपको स्टोरी के बारे में बहुत कुछ बता दिया होगा, तो मैं छोटी सी बात बताऊँगी। स्टोरी इतनी अच्छी है, जब आप हम पूरी मूवी का शूट कर लेंगे उसके बाद आप जब थिएटर में देखने जाओगे तो आपको लगेगा ये हुआ ही ना सलमान खान वाली बात, भाईजान वाली बात, तो उस टाइप मूवी है। और बहुत अच्छा कैरेक्टर है मेरा, और बहुत यूनिक स्टोरी जैसे बोलते हैं, गुजराती में बहुत सारी स्टोरीज़ बनती है, हिंदी में भी बहुत सारी स्टोरीज़ बनती है, उन सबको मिला के एक यूनिक स्टोरी बनाई है और जो बनने जा रही है। तो आप सबका सपोर्ट चाहिए, मीडिया का सपोर्ट चाहिए, और देखने ज़रूर जाना जब हम कंप्लीट कर दें। थैंक यू वेरी मच। आप अपना इंटरेस्ट में इकबाल हो? मैंने मेरा नाम इकबाल सुलेमान है, मैं एक्शन डायरेक्टर हूँ, और एक्शन डायरेक्टर से पहले मैं एजाज खान का बहुत बड़ा फ़ैन था। मैंने एक फ़िल्म की थी अपना हैदर काजमी प्रोड्यूसर की, पद पिक्चर का टाइटल था, उसमें इस लड़के को देखा था, शरद कपूर एक जगह, प्रोड्यूसर हैदर काजमी एक जगह, लेकिन ये वन मैन शो था। जब ये गिरा ऊपर से तो मतलब यार आने वाले वक्त का भाईजान है, और आज कुदरती भाईजान बन भी गया है और भाईजान फिल्म भी आ रही है। किस तरह का एक्शन आप देना पसंद? इसके अंदर ऐसा एक्शन करना है कि एक आम इंसान कैसे लड़ सकता है। इसमें कोई हमको एक्रोफाइट नहीं करनी है, कोई केबल वर्क नहीं करना है। क्यों मालूम है? ये 1993 का जो दंगा हुआ था जिसमें नुकसानात हुए थे, बड़े भड़काऊ भाषण हुए थे, हिंदू मुस्लिम का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, तो वो क्लिप ही हम लोग देख रहे थे। अब वो क्लिप को देख के हमारे को एक लगता है एक आम आदमी, जैसे एक नसीर भाई की फिल्म आई थी एक ट्रेन से सफ़र करते हैं, फिल्म का टाइटल था वेनसडे, तो उसके अंदर उन्होंने नेचुरल एक्टिंग की थी, नसीर भाई नहीं थे उसमें एक्टर, एक आम आदमी था। ये भाईजान जो है मसीहा बना हुआ है, आज इस आदमी ने जो बेड़ा उठाया हुआ है, ये क्या है, ये भाइयों की तरह भाई नहीं है, ये भाइयों के ऊपर जान देने वाला भाई है, ये सच्चा भाई है। आज इसके साथ अवाम है, कौम है, इसके साथ में हर चीज़ चल रही है, इंसानियत को लेके चलने वाला इंसान है। तो मैंने इसके लिए एक्शन भी एक ऐसा सोचा हुआ है कि एक आम आदमी कैसे मार सकता है, अपने पर आएगी तो क्या कर सकता है, अपने दोस्त पे आएगी तो क्या कर सकता है, ये एक्शन है इसका। थैंक यू वेरी मच। मुन्ना भाई, पहले मैंने एक पिक्चर बनाई है आशिकी, उसके बाद में अभी ये दूसरी फिल्म बना रहा हूँ मैं भाईजान। एजाज खान के मैंने बहुत सी साउथ की पिक्चर देखी है, और वो साउथ की पिक्चर देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि एजाज भाई को लेना चाहिए पिक्चर में, और एजाज भाई को लिया है। और साजिद साहब को?
साजिद को मैंने सेकंड में लिया है, एजाज भाई का छोटा भाई बताया है। ये दिसंबर तक के मैं 25 दिसंबर नाताल तक रिलीज करने का इरादा है। थैंक यू मन्ना। ओके गुड। ये वही लोग है जिसने हमारे अम्मी अब्बा को मारा था, और तू इनसे मोहब्बत करेगा? बिल्कुल करूंगा भाई, मैं उसे से मोहब्बत करूंगा। जान ले लूंगा मैं तेरी। सुन, इंसान का कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन वो हिंदू है और हम मुसलमान हैं, ये याद रखना। इंसानियत का कोई मजहब नहीं होता भाई, इंसानियत का कोई धर्म नहीं होता भाई। लेकिन तेरे जैसे आशिकों का कोई धर्म नहीं। कट। इंसानियत नहीं, मोहब्बत का कोई धर्म नहीं होता, प्यार का आशिक है। भाई जान पूरा शॉट एक सेकंड भाई, इनको थोड़ा सा मुन्ना भाई थोड़ा पीछे हो जाओ। अब आ रहे पाँचों स्टील वाला, हाँ ले लो, हाँ बस यहीं से लो, हाँ क्लैप बस ले लिया, हाँ चलो आप अपना डमी डायलॉग बोल दीजिए मुन्ना भाई। भाई जान पूरा शॉट ऑल द बेस्ट, हाँ निकल जाएगा ऑल द बेस्ट सुपर सक्सेस। अब आप अपना शॉट लीजिए, चलो हैप्पी, यू आर हैप्पी? अरे आई एम मोर देन हैप्पी, मुझे टेक्निकली चिली मिलनी चाहिए ना। ये लोगों ने हमारे अम्मी अब्बा को मारा था, और तू इनसे मोहब्बत करता है? मैं इसी से मोहब्बत करता हूँ, इसी से। ये हिंदू है और हम मुसलमान हैं। इंसानियत का कोई धर्म नहीं होता भाई, कोई नहीं। हमें जब दंगे होते हैं तब हर कोई एक दूसरे को मारता है, और दंगे में मरने मारने वाले लोग हिंदू या मुस्लिम नहीं होते। अरे वो तो एक बहकाई हुई भीड़ होती है जिसका कोई धर्म नहीं, कोई मजहब नहीं। हमें मिलकर इस मजहबी धर्म को मिटाना होगा। Congratulations.